अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरी फैमिली में दो शादियां इकट्ठी थी तो मैंने वो सारे के सारे लुक्स कंबाइन कर दिए, जिसमें मैं बताऊंगी कि हमने सबने कपड़े कहाँ से बनवाए, कैसे डिजाइनिंग की, कहाँ से मैं तैयार हुई, ज्वेलरी वगैरह कैसे सिलेक्ट की, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, मजे की बात यह कि दो शादियां पैरेलल चल रही थी, लाइक मैं एक शादी अटेंड करती थी और उसके बाद दूसरे फंक्शन पे हम लोग जाते थे। सबसे पहली थी जी ढोलकी लुक, वो मैंने सोचा कि यार मैं खुद क्रिएट करती हूँ, मैं खुद ही तैयार हो जाती हूँ। बाकी सारे दिनों का मेकअप मैंने ऑब्वियसली सैलून से करवाया था। मेकअप स्टार्ट करने से सबसे पहले आपने लेंस लगा लेने हैं, क्योंकि बाद में अगर आप लेंस लगाएंगे ना तो वो कोई ना कोई चीज आपकी आंख में साथ चली जाती है और बहुत इरिटेट करती है। यहाँ पे मैंने दहाब के ऐसे ग्रीन सा कलर है लेंस का, वो मैंने लगाया और फिर ऑरेंज कंसीलर से सारे डार्क स्पॉट्स हाइड करके फिर फाउंडेशन अप्लाई की है। ये जो गोल्डन ऑरेंज से शेड होता है ना, ये तकरीबन हर पैलेट में ही होता है। मेरा बड़ा फेवरेट शेड है ये, क्योंकि इतना न्यूट्रल होता है कि लाइक हर आउटफिट के साथ फिट बैठ रहा होता है। अंडर आई में थोड़ा सा ब्राउन कलर यूज करती हूँ, ये बड़ा प्यारे डेप्थ देता है। आंखों के अंदर हम एज यूजुअल व्हाइट पेंसिल यूज करेंगे, ये इतना प्यारा यकदम आपकी आंख ना बड़ी बड़ी लगना स्टार्ट हो जाती है। हर किसी की ना अपनी अपनी पसंद होती है। अगर मैं बिल्कुल सॉफ्ट सा मेकअप कर रही हूँ तो मैं आईलाइनर नहीं यूज करती, इनफैक्ट मैं ब्लैक पेंसिल लेके कॉर्नर के ऊपर हल्की सी लाइन बना के फिर उसको स्मज कर देती हूँ। इससे आईज ऑटोमेटिकली इनहेंस हो जाती हैं और बहुत शार्प लुक भी नहीं आती। और ये मेरा फेवरेट टूल है, मैंने कभी मस्कारा नहीं लगाया, आईलैशेस कर्ल किए बगैर लत, मतलब मैं लाजमन कर्ल करती हूँ उनको पहले। आप यकीन करें यार, वो उसी से इतनी सीधी हो जाती है कि लाइक आपको ज्यादा मस्कारा लगाने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ती। उसके बाद ये जो इतना चिट्टा हुआ पड़ा है ना मुंह, इसको हम थोड़ा सा शेप देंगे, लाइक कंट्रोल करेंगे अच्छे तरीके से, ब्राउंस करती हूँ मैं। अच्छा, इसको करने का भी ना मेरा बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैं ब्राउन से लाइक लाइंस लगा लेती हूँ और उसके बाद जो ब्लशर वाले शेड्स होते हैं ना उनको लेके और उन दोनों को मिक्स करके स्मज कर देती हूँ, तो वो बहुत फिट लगता है। अब तक ये तो आप लोगों को पता ही होगा, लाइक ऐसे लग रहा होता है ना कि यार लाइट कर रहा है, लेकिन जब आप टेंट लगाने लगते हो या ब्लशर लगाने लगते हो तो फिर तो बंदे का इतना दिल करता है कि बस ठीक है लगाते रहो। अच्छा, हर बंदे की पसंद भी डिफरेंट होती है और कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है, लाइक आपका मेकअप स्टाइल्स का, फाउंडेशन शेड्स का। अच्छा, मैंने नोट किया कि यूके के अंदर ना लोग बहुत ज्यादा डार्क फाउंडेशन की तरफ चले जाते हैं, आई डोंट नो लाइक जस्ट टू एनहांस द नेचुरल कलर समथिंग लाइक दिस, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ना ये ट्रेंड है ना ही मुझे पसंद आता है। लेकिन हर बंदे की अपनी अपनी पसंद होती है। एंड इनफैक्ट मुझे बहुत ज्यादा न्यूड कलर लिपस्टिक्स भी नहीं अच्छी लगती, लाइक मैं पहले पीच कलर लगाती हूँ और फिर हल्का सा दरमियान के अंदर ना रेड का इफेक्ट देती हूँ ताकि वो लाइक डुअल लगे। और बस जी, यहाँ पे हमारा मेकअप ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है, तो मैंने सोचा यार थोड़ा सा, क्योंकि शादी पे जा रही हूँ तो कोई मसला नहीं है ना, हल्का सा ग्लिटर मजे का लगता है। और ये जो मेरे पास ग्लिटर बॉक्स है ना, ये लाइक पूरा टूटा पड़ा है, लाइक मैं इसको खोल भी रही थी ना तो मुझे ये था कि ये सारा इधर उधर फैला जा रहा है। लेकिन आप चेक करें, इतना प्यारा ग्लो आता है एकदम, लाइक मजा आ जाता है, लाइक यू नो, लाइक जब आप पूरा अपना मेकअप बिफोर एंड आफ्टर देखते हो तो फिर बड़ा मजा आता है, लाइक ठीक है यार अच्छा मजे का हुआ है। और इससे मेरी तसल्ली नहीं हो रही थी तो मैंने कहा नहीं यार मैं थोड़ा और हाईलाइटर लगाऊंगी। और एंड पे मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा आईब्रोज को भी जरा हाईलाइट करते हैं, तो वो मैंने उंगली से ही उठा के लगा दिया। उस दिन पहले ही मैंने मेहंदी लगाई थी, तो वो मेहंदी जब उतर रही होती है ना तब तो उफ तौबा, इतनी बुरी लग रही होती है। और क्योंकि लाइक यू नो, लाइक एक बेबी के साथ शादी अटेंड करना, इतने सारे फंक्शंस घर मैनेज करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइक मेरे मुझे एक सेकंड नहीं मिला कि मैं अपनी मेहंदी थोड़ी सी सेट कर लूं। और मुझे अपना ये सूट इतना पसंद है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये प्योर वेलवेट का है, साथ इसके ऊपर टिश्यू के पैचेस लगे हुए हैं, इसके ऊपर एप्लिक हुई भी है और इसके साथ साथ ना पेंट और सीक्वेंस लगे हुए हैं, तो वो इतने ही प्यारे सितारे लगते हैं, लाइक वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट ड्रेसेस ऑफ वेलवेट। इसके साथ साथ इसके दुपट्टे के ऊपर भी पूरा पेंट वर्क हुआ है ना, लाइक बहुत बहुत प्यारा सूट है ये। ये मैंने ऑनलाइन इंस्टाग्राम एक पेज से मंगवाया था, मेहर क्रिएशंस, तकरीबन 16,000 का मुझे ये ड्रेस पड़ा था। इन्होंने मुझे दुपट्टा, शलवार का कपड़ा, कमीज का कपड़ा सारा कुछ भेजा था, लेकिन स्टिच मैंने खुद करवाया था। फिर मैं फटाफट सारा तैयार हुई, उसके बाद मुस्तफा साहब को तैयार करना था और अभी मेरे बाल रहते थे, तो बस फिर मैंने हल्के से फटाफट मतलब आगे से पीछे किए, परफ्यूम्स लगाया, हल्की फुल्की ज्वेलरी पहनी, एंड वी वर गुड टू गो। ज्वेलरी के अंदर ना मैंने, क्योंकि बड़ा मिनिमलिस्टिक सा ड्रेस था, लाइक बड़ा मॉडर्न स्टाइल लुक था, तो मैंने मॉडर्न स्टाइल ज्वेलरी रखी। मैंने वो झुमके शुमके की तरफ मैंने गई, एक हाथ में चूड़ियां पहनी, दूसरे हाथ में गोल्डन स्ट्रैप वॉच पहनी। ये मैंने दराज से मंगवाई है, इसका लिंक आपको मेरी इंस्टा प्रोफाइल पे मिल जाएगा। और ये जो बायो एक्वा का स्प्रे है ना, ये आपके हाथों को हाइड्रेट भी करता है और साथ साथ फॉरन से ग्लो भी देता है। तो ये मेरी पूरी फर्स्ट डे की लुक है। अच्छा, ये जितनी भी लुक्स है ना, इनकी जितनी भी लाइक जो चीज़ें मैंने जहाँ से खरीदी हैं, वो सारी चीज़ें आपको इंस्टाग्राम के ऊपर, लाइक मैंने प्रोफाइल में पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं, उनके नीचे टैग भी किया हुआ है, तो वहाँ से आपको अगर जस्ट इन केस इफ यू गाइस वांटेड, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। और सच पे अब मैं अगर कोई फैमिली पिक्चर परफेक्ट दिखती हूँ ना ऑनलाइन इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आई कैन लिटरली फील द स्ट्रगल बिहाइंड दैट। पता नहीं यार लोगों की कैसी इतनी एस्थेटिक पिक्चर्स आ जाती है, हमारी तो नहीं आती, हम तो वैसे एवी जेवे से काम चला लेते हैं। और मजे की बात बताऊँ, यहाँ पे कोई कह सकता है कि हम दोनों मियाँ बीवी की आपस में यहाँ पे लड़ाई हुई है? बाल भी बनवा लिया करें कभी, लोग मुझे कहते रहते हैं कि आपके हस्बैंड का हेयर स्टाइल क्यों खराब है, मैं क्या करूं, मेरे हस्बैंड जो है ना, मैं अपने आप को देखूं, अपना बच्चा संभालू या आपके बाल भी बनाऊं? आप चलो देखते हैं कुछ भी। नहीं, आई कैन डू इट, आई वुड लव टू डू इट फॉर यू, बट आप थोड़े से यार, अरे नहीं, आपके पास करने का बहुत कुछ है, ठीक है तो मुस्तफा साहब बिल्कुल नहीं, टूट बैठे अभी।
अच्छा मैंने एक दिन का मेकअप तो घर पे किया, मैं खुद तैयार हुई। अब मैंने कहा यार शादी के बाद भी अगर मैंने घर ही तैयार होना है शादियों पे और वो भी फैमिली की शादियों पे इतनी करीबी, तो फिर क्या फायदा, मतलब फिर तो बंदा जरा फायदा उठाए ना, सैलून वगैरह जाए। तो नेक्स्ट डे था जी मेहंदी का इवेंट, उसके लिए मैं सैलून गई, हल्का सा मैंने मेकअप करवाया, हल्के से भी उसके लाइट से बाल कटवाए, क्योंकि ऑब्वियसली फिर आगे इतने दिन और मेकअप था, तो मैं चाह रही थी कि यार हर डिफरेंट ना, मतलब डिफरेंट दिन डिफरेंट लुक्स होनी चाहिए। अब क्योंकि मैंने आगे सोचा हुआ था कि यार मैंने फ्रॉक्स वगैरह पहने, तो मैंने सोचा कि एक दिन शर्ट वाली लुक करते हैं। और ये वकार हैदर का ड्रेस था, बहुत बहुत प्यारा, पिंक कलर का, शॉकिंग पिंक इसका कलर था, उसके ऊपर दबके का काम हुआ था। ड्रेस की डिटेल्स मैं आपको आगे चल के देती हूँ। यहाँ पे मुकीत साहब अपने कपड़े स्टीम कर रहे हैं, मैं पूरी तैयार हो गई थी और अभी तक इन्होंने चेंज भी नहीं किया था। ये स्टीमर भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था यार, बहुत फिट निकला है। और जब ये तैयार होकर आए ना, तो मैं इनको कह रही थी, मैंने कहा यार ये क्या मैचिंग किया आपने। उसके बाद ये कोट चेंज करके आए तो थोड़ा बेहतर लग रहा था। मैं इनको बोल के गई थी दाढ़ी छाड़ी बनवाना, बाल चाल कटिंग करवा लेना, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं करवाया। तो खैर फिर हम लोग मेहंदी के इवेंट में गए। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, पाकिस्तान के अंदर ना रह के शादियाँ अटेंड करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन जिनकी शादी होती है उनकी तो खप होती है, जो ऊपर जो मेहमान होते हैं उनकी डबल खप हुई पड़ी होती है। और यही जब आप बाहर चले जाते हो ना, तो बंदा सोचता है यार कोई मौका ही नहीं आ रहा हम तैयार हो इस तरह, लाइक मेहंदी चूड़ी एंड ऑल दैट स्टफ। और मुश्किल से 2 से 3 दिन की शादी होती है और हम लोग कम से कम कुछ 6 महीने प्लानिंग में लगाते हैं। ये सूट पहनना है, यहाँ से तैयार होना है, बुकिंग्स लेनी है, कपड़ों के ऑर्डर दे रहे हैं, मेकअप, ज्वेलरी, ईच एंड एवरीथिंग, लाइक टू मच। तो खैर फिर ये सारा मेन्यू था मेहंदी के खाने का, और मुझे जर्दा बहुत पसंद है, बारबेक्यू, ईच एंड एवरीथिंग वाज सो टेस्टी। और मैं बता नहीं सकती, मुस्तफा ने मुझे इतना तंग किया ना, लाइक एक तो हैवी कपड़े, ऊपर से काम वाले, ऊपर से बच्चे को उठाना, और उसके बाद लाइक कपड़े अट रहे होते हैं, कपड़ों का ध्यान करना, तो लाइक इतना हेक्टिक हो जाता है। और खाना तो आप भूल जाओ ना कि ये आपको खाने देंगे। उसके बावजूद भी मैं और मुकीत हम लोग घर का एक कोना ढूंढ के उधर बैठ जाते होते हैं, फिर हम ढील बन के ऐसे खाते रहते हैं। लाइक पहले मैंने ससुराल में एक मेहंदी का इवेंट अटेंड किया, उसके बाद मैंने ढोलकी अटेंड करनी थी, मैं वहाँ गई भागते भागते, और ढोलकी जब तक मैं पहुंची तब तक ऑलमोस्ट क्लोजअप होने वाला था। और फिर मुझे ये हो रहा था कि नहीं यार अब तो मैंने वापस जाना है, और उसी टाइम फिर मैं लाइक मेरे ख्याल से 1 घंटे के अंदर अंदर ही मैं दोबारा वापस दूसरे इवेंट पे गई। लाइक मैं ऐसे जो है ना, मतलब मैं सच्ची होता हूँ, मैं एक बम्बीरी की तरह घूमती फिर रही थी। और मुझे ढोलकी वगैरह पे बड़ा मज़ा आता है, मैंने सारे टप्पे शप्पे याद किए हुए, और मतलब लाइक आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं निकलती, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट। ये है जी ड्रेस की फुल लुक। मैंने इसके साथ जो है ना, लाइक इसके अंदर हल्का सा ग्रीन का टच था, तो मुझे क्या था कि यार मैं ग्रीन में ज़रा ज्वेलरी करूँ। और ये सेट मेरी शादी का था, तो मैंने कहा चलो यार शादी का सेट भी अब दोबारा पहन ही ले। नेक्स्ट डे मैंने मुकीत के सारे कपड़े निकाले, कोट शोट निकाला, कपड़े इस्त्री किए, उनके लिए एक नोट लिख के भेजा कि मेहरबानी करना आज तो प्लीज़ अच्छे से तैयार होकर आ जाइएगा। और यहाँ पर मैं उनके जो है ना शोर में चाह रही थी कि जल्दी करें, मुझे सैलून के लिए लेट हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली यार मैं आपको बता रही हूँ सैलून जाना आपको ऐसे लगता होगा ना कि 1-2 घंटे का काम है, लेकिन नहीं, वो वहाँ पर आराम से आपको 2-3 घंटे तो कहीं भी नहीं ना जाते। लाइक कभी बंदा थोड़ा सा खुद भी ज़रा ढीला हो जाता है कि लाइक रिलैक्स होकर तैयार होने में मज़ा और आता है। आज का मेरा ये वाला जो ड्रेस है, दैट वाज अ जिंक मैक्सी, जिसके ऊपर नीचे एप्लिक के अंदर काम हुआ हुआ था, ऊपर भी काम हुआ हुआ था, दबका गोटा सारा कुछ मिला के लगाया गया था, जिसके अंदर शॉकिंग पिंक कंट्रास्ट का दुपट्टा था। आज भी हमारे 2 इवेंट्स थे, एक की मेहंदी थी और दूसरी बारात थी, तो मैंने इस तरह का आउटफिट चूज़ किया कि मैंने कहा चलो यार दोनों के साथ चल जाए। और ये जिन आउटफिट्स के राउंड नेक शेप होती है ना, उनके साथ चौकर स्टाइल बहुत प्यारा लगता है। और वैसे भी शादी है, मैं शादीशुदा हूँ, अब मेरे एक बच्चे की माँ भी हूँ, तो मैं इजीली जो है ना लाइक वो पहन सकती हूँ, हैवी ज्वेलरी, हैवी ड्रेसेस अलॉन्ग विद यू नो लाइक, मतलब आपको होता है ना कि शादी से पहले तो आप नहीं करते लाइक यार बहुत हैवी लग रहा है, लेकिन फिर बाद में तो फिर आप कहते हो कि ठीक है यार अब तो मौका है। एक शादी खा ली है अब दूसरी शादी पे आ गए।
दूसरे इवेंट पे हम लोग ऑलरेडी काफ़ी लेट थे. जब हम लोग पहुंचे तो खाना शाना चल रहा था, और क्योंकि हम खाना शाना खा के आए थे तो हमने कहा यार हम तो बस सबको बैठ के देखेंगे. इनकी यहाँ पे थी जी दूसरी मेहंदी, और बस जैसे ही खाना ख़त्म हुआ तो फोटोशूट स्टार्ट हो गया. बस फोटोज़, और मैं कहती हूँ रात 12 बजे तक सिर्फ पिक्चर्स ही चलती रही हैं. उसके बाद ये तो कंपलसरी है ना कि हर इवेंट पे आपकी अम्मा आपको बुला के इस तरह डिक्टेशन देगी, और फिर यू हैव टू एक्ट अपॉन दैट. मीट माय सिस्टर इन लॉ. इनसे अगर आप लोग अभी तक नहीं मिले तो मैं आपको दोबारा इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ. ये हैं जी मेरे भाई और भाभी. यहाँ पे आगे आप देखेंगे सबने अपने अपने बच्चे उठाए हुए हैं, सबके बच्चे सो रहे हैं, कुछ के रो रहे हैं. मैं भी यहाँ पे इतने आराम से इसलिए फिर रही थी क्योंकि मेरे पास आप सो चुके थे, और यू नो लाइक जब बच्चे सो जाते हैं ना फिर आपको इतना मजा आ रहा होता है, और बस फिर आप ये कह रहे होते यार अब इनको कोई ना उठाए, हम जरा इवेंट इंजॉय कर लें. अच्छा फिर इस पे तो यार सच में हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स ही चलती रही. ग्रुप फोटोज स्टेज पे नीचे इधर उधर सब अपनी पिक्चर्स लेने में मसरूफ है. वीडियोस हमने भी कहा कैमरामैन से यार जल्दी जल्दी फोटोज बनाओ, और आधा टाइम हम बस अपने लोग इकट्ठे कर रहे होते थे यार जल्दी उसको बुला लो उसको बुला लो. और ये हैं जी मेरी अम्मा जान, माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी. अम्मी का ये सूट मैंने डिजाइन करवाया था, ये भी मेहर क्रिएशन से लिया था हमने. ये है जी फैजी भाई, देखा मैंने कहा था ना यार पूरा टाइम सिर्फ पिक्चर्स चलती रही है. और यहाँ पे मैं खड़े होकर अम्मी को बता रही थी, मैंने कहा अम्मी मुझे पूरे हॉल में सबसे प्यारी आप लग रही हैं. लाइक होता है ना बच्चों को जिस तरह माओं को अपने बच्चे अच्छे लगते हैं ना, तो इसी तरह बच्चों को भी अपने माँ बाप ही अच्छे लग रहे होते हैं. तो लाइक मुझे मैं तो हैरान, मेरे को माशाल्लाह माशाल्लाह अम्मी इतनी प्यारी लग रही है. और कुछ मुझे ये भी था कि यार सूट मैंने बनवाया हुआ है तो लाइक यू नो क्रेडिट लेना होता है आपने. और ये हमारी ग्रुप फोटोज में हमने कहा जी मुस्तफा साहब तो अब सोए रहे हैं, स्पेशल इसका ब्लैक सूट लिया, ब्लैक वेस्टकोट ली, क्योंकि वहाँ पे थीम था सारा ब्लैक ब्लैक लड़कों का. उसके बावजूद भी ये भाई साहब पूरे इवेंट में सोए ही रहे हैं. और सच में मेरा इतना अच्छा मूड भी सिर्फ इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये सोया रहा है. अगर ये जाग रहा होता ना तो मैं भी ऐसे एक कंधे पे इसको लटका के घूमती फिर रही होती. चलिए जी यहाँ पे मेहंदी का इवेंट हो गया खत्म. अगले दिन हम लोग सुबह रात को देर से आए, सुबह उठे फटाफट सलोन पहुंचे, तैयारी की क्योंकि बारात थी, और यहाँ पे मैं फुल ऑन रेडी हो चुकी हूँ. अच्छा मैंने बताया ना कि यार शादी के दिनों की रूटीन क्या चल रही थी समझ में नहीं आ रहा था, सुबह का बोरी है शाम का बोरी है, क्योंकि यू नो आप लोग सुबह सुबह उठे हो, क्योंकि हम लोग उठ भी थोड़ा सा लेट रहे थे. उठे नाश्ता किया, तैयारी की, कपड़े उठाए, कपड़े तैयार किए, घर वालों के तैयार करके दिए, और यू नो लाइक अपना सामान वगैरह उठाया, जूली उठाई, सारी चीज़ें इकट्ठी करी, बच्चों के कपड़े उठाओ और सलोन चले जाओ. 2-3 घंटे वहाँ लग जाते थे, और वापस आओ बस फिर बारात के साथ शामिल होना है और सीधा हॉल चले जाना है, वहाँ पे फिर रात को 1-2 बज रहे. और ये मैं यहाँ आके इनको हंस रही थी, मैंने कहा सब ने अपने अपने बच्चे सुलाए हुए, माशाल्लाह माशाल्लाह जो सब प्यारे लग रहे थे एक से बढ़कर एक, लाइक जिसको मिल रही थी ना मैं आई वाज लाइक सरप्राइज की यार वाओ माशाल्लाह. क्योंकि होता है ना शादियों पे सारे बिल्कुल चेंज हुए होते हैं यू नो लाइक फुली गेट अप एंड ऑल दैट. अच्छा तो यहाँ पे मैं अपने आउटफिट का बताती चलूँ. ये मैंने बनवाया था वकार हैदर से, और लाइक इट्स प्योर वाइट, इसके ऊपर वाइट सिल्वर काम हुआ हुआ है, इसके ऊपर रेड कलर के फूल हैं. इनकी लोकेशन जो है ना गुलगश्त के अंदर इनकी आउटलेट है. मैं बताती हूँ जब मैं पहली दफ़ा ये सूट देखने गई थी ना लाइक ट्राई वगैरह करने गई थी, और जब मैंने पहली दफ़ा मेरी सूट पर नज़र पड़ी तो मुझे ये इतना प्यारा लगा, मैंने कहा यो और ये कलर इतना प्यारा है, लाइक मैंने आज से पहले कभी शायद वाइट नहीं पहना, बहुत कम, बहुत ही ज़्यादा कम. और ये कैमरा मैन जो है ना इस टाइम मेरे प्लेट के ऊपर फोकस की, तो बिल्कुल जैसे पुरानी ज़माने की वीडियोज होती थी ना लोगों के खाना डालते हुए, और यार इतना खाना मतलब हम लोग बिल पे काफ़ी सारे लोग थे. अच्छा सच एक और इम्पोर्टेंट बात तो मैं बताना ही भूल गई, जिस दिन बारात थी उस दिन शुरू हो गई बारिश, और बारिश की वजह से सबकी लाइट चली गई, तो ये लोग सारे अंधेरे के अंदर तैयार होकर आए. और यहाँ पे जिस चीज का बच्चा है ना उनके हाथों में नजर आएगा उनकी पिक्चर्स में. और एक बारात वाले दिन क्योंकि हॉल का टाइम बहुत ज्यादा कम होता है, तो हमें था कि यार इससे पहले लाइट्स बंद हो जाए फटाफट जाके पहले पिक्चर्स खिंचवाई. पिक्चर्स अभी मुझे मिली नहीं है, इंशाल्लाह जो मिलेंगे आई एम गोना अपलोड देम ऑन इंस्टाग्राम. मेकअप मैंने चारों दिन सना साकिब से करवाया है. अब जब बारात वाले दिन की मेरी लुक थी ना तो शी सेड कि मैंने स्लीक वाला हेयर स्टाइल करना है, और मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही थी उस पे. और यहाँ पे ना हम लोग कुछ पोज मारने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं हुआ हमसे. और मेरा टिका गया. वापस आ जाओ. सुनाती हूँ वो वाला. मेरे वीर ने ले आके ले आ दी भाभी मेरी भूर वर्गी. अब तो एक बेटा भी है. हाँ जी. और हम ले आए हैं जी. बस फिर हम लोग हॉल में गए, पिक्चर्स नहीं, खाना खाया, फटाफट दूल्हे नहीं वापस आए घर में आके क्योंकि अरेंजमेंट्स वगैरह करने थे. ऑब्वियसली यार दूल्हे का वेलकम भी तो करना था. अच्छा हाँ सच में मेकअप का बता रही थी, तो नॉर्मली जब मैं सना से मेकअप करवाती हूँ ना तो मैं उनको कहती रहती हूँ कि यार कीप इट लाइट, बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, हैवी ना हो. तो इस बार उन्होंने मुझे बोला कि हमारा लेट मी डू इट माई वे, आपको मैं व्हाइट के साथ रेड लिपस्टिक लगाती हूँ. रेड के ऊपर मेरा मूड ओके था. शी सेड आज तो जरा विंग लाइनर लगाते हैं, वरना मैं नॉर्मली विंग लाइनर भी बिल्कुल नहीं लगाने देती. लेकिन यार शी सच एन एक्सपर्ट बंदी, क्या
बड़ा मेकअप किया उस बिंदी ने। यहाँ तक के तीसरे दिन जब मेरी ब्लैक कलर की साड़ी थी और मैंने उनको कहा मैंने कहा जैसा आपका दिल करे वैसा कर दे, शी सेड आई एम गोना डू सम स्मोकी आईज। मैंने कहा ठीक है। हालांकि मैंने जिंदगी में पहली दफा स्मोकी आई मेकअप करवाया, हेयर स्टाइल हम लोगों ने जरा मिलजुल के चूज किया था और ये जो फुल लुक है ना आई जस्ट लव दैट। लाइक मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे तीनों चारों दिन की जो लुक्स है ना बिल्कुल डिफरेंट दी है उन्होंने। बच्चे हैवी कपड़ों में जरा तंग होते हैं तो मैंने मुस्तफा को बिल्कुल कैजुअल कपड़ों में रखा हुआ था ताकि ना ये ना खुद तंग हो ना मुझे तंग करे फिर। और ये अल्लाह अल्लाह करके वो जो पूरा हेक्टिक बिजी वीक था ना तो उसका ये लास्ट डे था वलीमे के ऊपर मेरा प्लान था कि यार साड़ी पहनी है। साड़ी मैंने मुल्तान में वीर जी से ली थी और बहुत फिट मिल गई थी मुझे उस टाइम। मतलब ऐसे ही मैं गई और उनके पास जितनी भी पड़ी हुई थी ना मुझे कोई भी नहीं पसंद आ रही थी। बस निकलते निकलते मैंने कहा अच्छा चले ब्लैक में कुछ दिखा दें। ब्लैक के अंदर उन्होंने मुझे ये दिखाई। होता है ना बिल्कुल लास्ट मिनट आप ऐसे दुकान से बस निकलने ही लगे और आपने उनको उन्होंने सामने ला के आपके एक आर्टिकल रखा। मैंने कहा यार ये तो प्यारा है। बस फिर मैंने वही ली। उसके साथ मैंने वेलवेट का ब्लाउज सेट करवाया, वो मैंने सारा खुद बाद में करवाया था। और ये हम तीनों, ये दोनों मेरी भाभी हैं। आई डोंट हैव एनी सिस्टर्स सो मेरा इनके साथ जो बॉन्ड है ना वो लिटरली बिल्कुल सिस्टर्स वाला है। और हाँ सच, ये पोनी टेल हेयर स्टाइल इज सो ट्रेंडी नाउ। नहीं बिल्कुल भी नहीं। और ये हैं जी मेरी अम्मा जान। माशाल्लाह माशाल्लाह अम्मी इतनी प्यारी लग रही थी। मैं बता रही हूँ ना लाइक वो होता है ऐसे कहते होते हैं ना कि माँ बाप को तो अपने बच्चों के अलावा कोई प्यारा लगता ही नहीं है। और लिटरली मेरे साथ ये सीन था कि मुझे अपनी अम्मा के अलावा कोई प्यारा नहीं लग रहा था। फिर ये कुछ स्लो मोशन फ्लेक्स मारने भी तो ज़रूरी है। खाना भी खुला नहीं था लेकिन क्योंकि हमारे बच्चों को भूख लगना स्टार्ट हो गई तो हमने कहा जी हमें तो अलाउ है, हम तो चुप करके जाके एक नान उठा के लाए और इनको खिलाना शुरू कर दिया। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब तक हमारा एक्चुअल खाना खुला तब तक ये बिल्कुल सेटल डाउन हो चुके थे, तब हमने आराम से सुकून से खाना खाया। खूबसूरत लड़की और बस वलीमे पे यही कुछ तो हो रहा होता है कि यार तैयार श्यार हो, खाना शाना खाओ, पिक्चर्स लो, सबसे मिलो और घर वापस आ जाओ। और ये अब तक का ना तकरीबन मेरा सबसे लंबा व्लॉग गया है क्योंकि यार मैं नॉर्मली व्लॉग्स बिल्कुल 3-4 मिनट्स के रखती हूँ, इससे ज़्यादा मैं लंबे कभी नहीं किए। और आज तो लिटरली बोल बोल के मैं खुद थक गई हूँ और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। और ये क्योंकि अब हम तीनों बहन भाइयों का एक एक बच्चा है माशाल्लाह, तो हम तीनों अपने अपने बच्चे लेके खड़े हुए थे। Anyways, that's all for me for today. Thank you so much for watching. Have a nice day. Bye. Kidhar ja raha hai ye ladka?